हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपने टाइटल देखा और थंबनेल देखा, तो यस गाइस, आज हम लोग हमारी NS200 में जो है डोमिनार के हेडलाइट्स इंस्टॉल करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, NS200 में जो हेडलाइट सेटअप आता है उसके अंदर एक हेलोजन ही होता है, बट उसको मैंने चेंज करके LED में कर दिया है। जो हम लोग नए जनरेशन के जो मोटरसाइकिल्स है, जैसे कि डोमिनार हो गया या फिर KTM 390 हो गई, उसमें LED सेटअप वाले हेडलाइट्स आते हैं और वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं और काम भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो हमारी NS200, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने तो सबसे पहले यहाँ पे पूरा फिल्म लगा के रखा हुआ है ब्लैक टिंट करा के, बट उसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो LED सेटअप किया हुआ है हम लोग ने। अंदर जो LED है वो है नो साइड की LED और बहुत ही ज्यादा परफेक्टली वर्क कर रही है। और गाइस, ये अंदर का जो सेटअप है इसको हम लोग इससे चेंज करने वाले। हम लोग ये डोमिनार का हेडलाइट डायरेक्टली नहीं लगा देंगे, डोमिनार का अंदर का जो LED सेटअप है वो बस ये हम लोग हेडलाइट के ग्लास के अंदर डाल देंगे। तो गाइज, आप देख सकते हो डोमिनार का हेडलाइट और बिल्कुल भी एकदम ब्रांड न्यू है। और आप सोच रहे रहेंगे कि लॉकडाउन में कोई ये स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मिले, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने बाय किया हुआ ये स्पेयर पार्ट जिसका नाम है माई स्पेयर मार्केट। तो पीछे आप देख सकते हो, पीछे सारा इन्फो दिया हुआ है, यहाँ पे इन लोग का इंस्टाग्राम ID दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी चीज दे दूंगा। और यहाँ पे इन लोग के कूल किचन से, तो KTM का मैं अपडेट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग ने नया डिस्क लिया हुआ है वहां से ही, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये पुराना डिस्क है हम लोग का, तो ये थोड़ा सा छोटा है, 300 mm का डिस्क है। और नीचे वाला जो डिस्क हम लोग नया लगा रहे, इट इज 320 mm और काफी अच्छे कंडीशन में, और हम लोग का जो ब्रेकिंग है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा इससे। तो गाइस, अभी हम लोग जो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर जो हम लोग ने टिंट लगाया हुआ है तो वो निकाल देते हैं हम लोग सबसे पहले। तो आप देख सकते हो गाइस, हेडलाइट अभी हम लोग का एकदम क्लियर हो चुका है, और सिर्फ हेडलाइट के वजह से ही लुक्स में कितना ज्यादा फर्क आ जाता है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पैसों को बहुत ही तेजी से ग्रो करना है तो क्रिप्टो करेंसी बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आपको हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न भी मिल सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल और सिक्योर ऐप है जिसका नाम है CoinDCX Go, जो की है इंडिया का सिंपलेस्ट बिटकॉइन एक्सचेंज ऐप। इसमें क्रिप्टो करेंसी खरीदने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बस इसमें आपको KYC करना है और साइन इन करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। KYC में आपको पैन कार्ड डिटेल्स और आधार कार्ड डिटेल्स डालकर आपके बैंक को लिंक कर देना है, और इसमें आप 100 rupees का मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हो। 10 rupees में ही गाइस आप बिटकॉइन का थोड़ा सा हिस्सा खरीद सकते हो। CoinDCX Go में आपके फंड्स बहुत ही सिक्योर है क्योंकि ये इंश्योर्ड है बाय बिटगो। CoinDCX Go ISO सर्टिफाइड है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स को फॉलो करती है। और अगर आप नए हो क्रिप्टो करेंसी में तो CoinDCX Go एक बेस्ट ऐप रहेगा आपके लिए। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में और जानना है और समझना है तो आप DCX लर्न प्लेटफॉर्म को विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जब भी आप साइन अप करते हो और कोड यूज करते हो Jhumpa100, तो आपको 100 rupees का बिटकॉइन जो है वो फ्री मिलता है। तो इसमें जो साइड के LEDs है गाइस, ये डिपर का काम करते हैं, और बीच वाले जो LED है ये अपर का काम करते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले हम लोग को ये पूरा जो हेडलाइट है ये हीट अप करना पड़ेगा, और हम लोग को इसका ग्लास निकालना पड़ेगा, और अंदर का जो पूरा हेडलाइट है वो हमारे हाथ में रहेगा। और इसमें NS200 में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हेडलाइट का पूरा जो असेंबली है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। कि आप देख सकते हो हेडलाइट हम लोग को पूरा चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 bolts है और यहाँ पे 2 bolts है, जिसके मदद से हमारा जो हेडलाइट है ये बाहर निकल जाए। तो आप देख सकते हो गाइस, पूरा हेडलाइट का जो असेंबली है वो हम लोग ने निकाल दिया है, और अभी मैं कनेक्शन इसके निकाल देता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस, पूरा हेडलाइट अलग हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा हेडलाइट निकालने का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो गाइस, अभी हम लोग क्लीन एनवायरनमेंट में आ गए, और हेडलाइट का जब भी आप काम कर रहे हो तो क्लीन एनवायरनमेंट में ही करो, क्योंकि जरा सा भी इसके अंदर डस्ट जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है बाद में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा अभी नया सेटअप है, और जैसे मैं अपने इंस्टाग्राम में मैंने अपडेट किया था, तो हम लोग ने नया घर लिया है, तो अभी थोड़ा सा नया सेटअप रहेगा। और अगर आपको रूम टूर का वीडियो चाहिएगा तो कमेंट करके बता दीजिए, अभी जस्ट मैं सेटअप कर रहा हूँ जो थिंग्स है मेरे सब। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले हम लोग को क्या करना है। तो ये हेडलाइट हम लोग साइड में रख देते हैं सबसे पहले, इसका भी काम नहीं है। ये हेडलाइट का जो ग्लास है अपर वाला वो हम लोग को रिमूव करना है। उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे इन लोग ने लॉक टाइप दिए हुए, लॉक तो इन लोग ने दिया हुआ है बट इन लोग ने एक ब्लैक कलर का सीलेंट लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो सीलेंट है, तो इसको हम लोग को गर्म करके पिघलाना पड़ेगा। तो ये ब्लैक प्लस डेकर का हीट गन है, तो ये बहुत अच्छे से चल रहा है, काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ इसको।
तो आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा गम बचा है, तो इसको हम लोग गर्म करके निकाल देते हैं। ये डोमिनार के ऊपर का हम लोग का ग्लास है और ग्लास में एक ऐसा एक डिजाइन होता है, तो ये हम लोग नहीं लगाएंगे, जस्ट ये अंदर का जो चीज है ये लगाने वाले। तो ये डोमिनार का हेडलाइट, तो अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे इन लोग ने एलईडी प्लेस किए हुए हैं और साइड में जो है हमारी हीट सिंक्स है, ये सेंटर वाले के लिए हीट सिंक्स है और ये साइड वाले के लिए। उसके बाद अगर आप पीछे देखते हो तो पीछे इन लोग का पूरा सर्किट बोर्ड है और ये एक मेन चीज है जिसको ये बहुत ज्यादा एडवांस बनाती है, एक डीआरएल के लिए हारनेस है और एक ये मेन हारनेस है। तो अभी मैं इसको साइड में रख देता हूँ गाइस, ये हम लोग का जो मेन हेडलाइट है इसको ओपन करना है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ये सारे जो एसेसरीज है इसके, जैसे कि मीटर हो गया और जितने भी अंदर के एसेसरीज है, सब निकाल देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो एनएस का हेडलाइट निकाल दिया हम लोग ने कम्प्लीटली। ये इसका आउटर शेल है और ये जो एलईडी की बात कर रहा था, तो ये एलईडी मैं यूज कर रहा था नो साइड की, तो इसका भी परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा था। इसका मैंने एक वीडियो बनाया था अलग, यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका हेडलाइट हम लोग निकाल देते हैं बाहर। हम लोग ने डोमिनार का यहाँ पे आप देख सकते हो निकाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो एनएस का जो हेडलाइट है हम लोग ने कम्प्लीटली खोल दिया है। तो ये तीन पीस में आता है टोटली, ये पार्ट की हम लोग को जरूरत नहीं है अभी, तो हम लोग जो है यहाँ से इसको कट कर देंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे, तो ये सिर्फ नीचे का ही पार्ट बचेगा। ये जो हमारा एलईडी है ये हमारे केस में फिट नहीं हो रहा है, तो ये केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा एक कट करना पड़ेगा दो साइड से और यहाँ से भी, फिर हम लोग लास्ट में एमसील से कम्प्लीटली पूरा पैक कर देंगे, तभी जाके सही होगा। क्योंकि ऐसे आप ट्राई करोगे तो ये हेडलाइट में कभी फिट हो ही नहीं पाएगा, ये तो ऑल्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो एक हैक्सॉ ले लिया है मैंने, तो हैक्सॉ से हम लोग को ये पार्ट कट कर देना है और ये पार्ट भी कट कर देना है। अपना पार्ट मैंने अभी कट कर दिया है और ये पार्ट जो है यहाँ पे लगेगा, तो आप देख सकते हो ये ऐसे कुछ लगेगा यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हो गाइस मैंने इसको इतना इतना कट कर दिया है, प्रॉपरली फिट हो जाता है ये सेक्शन में, बस थोड़ा सा बाहर आता है, बट हम लोग उसमें एमसील लगा देंगे, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं। ग्लास जो हम लोग ने बाहर का वो अच्छी तरीके से फिट कर दिया और यहाँ से आप देख सकते हो गैप है और सेम गैप यहाँ पे भी है। फिल करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ एमसील, थोड़ा थोड़ा आपको एमसील लगाना है, ज्यादा एमसील आपको नहीं लगाना है। और साइड से जो मैंने ग्लू गन से थोड़ा सा स्टिक कर दिया, आप कोई भी सिलिकॉन बेस्ड गम यूज कर सकते हो। तो गाइस अभी मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो मीटर और सारे सामान रखे हुए, तो ये मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। बाइक के पास जाते हैं और देखते कि इसका वायरिंग कैसे करना और ये ऑन कैसे हो। मैंने डस्ट कवर भी लगाया की वजह से अंदर पानी भी नहीं जाएगा और डस्ट भी नहीं जाएगा। तो गाइस वायरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो वायर है ये H4 का बल्ब का सॉकेट है, तो ये हम लोग को जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये रिमूव कर देना है। तो गाइस वायरिंग में सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक रेड वायर है, फिर ब्लैक और येलो स्ट्रिप्स वाला वायर है, रेड और ब्लैक स्ट्रिप वाला वायर है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो रेड और येलो स्ट्रिप वाला एक वायर है, फिर एक ब्राउन वायर है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्लैक वायर है और दो एक्स्ट्रा वायर है जो कनेक्ट दूसरे कनेक्टर के थे जो हम लोग को यूज नहीं होने वाले, तो ये दोनों वायर को साइड में रख दीजिए। ऐसी जो वायर है यहाँ पे आप देख सकते हो ये, तो ये आपको कनेक्ट कर देना है इसके साथ। तो ये जो कनेक्टर था 3H4 का वो मैंने निकाल दिया, तो ये ब्लैक जो है ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड को ग्राउंड के साथ हम लोग सबसे पहले कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ये रेड वायर है और ये रेड विथ येलो स्ट्रिप्स जो है उसको हम लोग को एक साथ मैच कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक बल्ब के वायरिंग में रेड और येलो स्ट्रिप है, तो उसके साथ हम लोग को कनेक्ट कर देना है इसको। और ब्लैक वायर है और यहाँ पे भी हमारे पास एक रेड और ब्लैक वायर है, तो उसको हम लोग को कनेक्ट कर देना है। ब्राउन वायर है हमारी जो पायलट लैम्प है, तो अभी तो इसमें मैंने बल्ब नहीं लगाया क्योंकि बल्ब फ्यूज हो गया था इसमें, तो इसका जो रेड वायर है उसमें हम लोग को कनेक्ट कर देना है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो डोमिनार का हेडलाइट जो हम लोग ने प्रॉपरली लगा दिया, अभी जस्ट मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। मेरा BS3 मॉडल है तो मुझे बटन्स दिए हुए, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा चालू करता हूँ विच इज़ द पायलट लैम्प्स। तो यहाँ पे दो पायलट लैम्प जलते हैं बट मेरे पास है नहीं, तो ये मैं बाद में इंस्टॉल कर दूंगा पायलट लैम्प। बट आप देख सकते हो इसके DRL कैसे दिख रहे हैं राइट गाइस, एंड ये अभी अपर में, तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है और अंदर की LEDs भी सारे बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो फॉर अ क्लोजर लुक हम लोग ने एक स्टॉक NS भी लिए। तो गाइज ये ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग के पास टोटल LED जो सेटअप था हम लोग का पहले ये मोटरसाइकिल में वही सेटअप है इसमें। और आप
जैसे कि आपने देखा हम लोग ने डोमिनर का जो हेडलाइट है वो NH200 में एकदम इजीली फिट कर दिया और ये मोर ऑफ अ स्टॉक ही लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा नहीं कि हम लोग ने बाहर से कुछ लगाया। और मेरे को ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर अगर पल्सर NH200 में कोई अपग्रेड रहेगा LED सेटअप का तो यही डिजाइन करेगा। ये बजाज वाले लोगों का एक फ्लैगशिप डिजाइन है। तो ही था गाइस आज के इस वीडियो के लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो गिव इट अ थम्स अप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच इट आउट टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। Why I see you?